गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो देखिए, स्टील और आरसीसी के अलावे हम लोग और भी सब्जेक्ट्स जितने पॉसिबल हो सके सारे पैरेलली हम लोग पढ़ते चलेंगे, ठीक है? और मैं रोज़ एक एक लेक्चर्स करके सारे सब्जेक्ट्स के डाला करूँगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं। कोई हाईवे के लिए बोलता है, कोई सर्वेइंग स्टार्ट करने को बोलता है, ठीक है? तो इस तरह से जिसको जो ज़रूरत है ना, उस हिसाब से सबका सबके ज़रूरत के हिसाब से सब चीज़ सारे सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, ठीक है? और एक्चुअली बात यह है कि ये सारे सब्जेक्ट्स ज़रूरी भी हैं, है ना? अभी जितने भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो सारे मेन मेन सब्जेक्ट है ना, सारे स्टार्ट करते हैं हम लोग और फिर सबको फॉलो करते हुए चलेंगे, ठीक है? तो अभी बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए मैंने फिर से डिसकंटिन्यू था मैं बीच में। तो मेरा कोशिश तो हमेशा एक्चुअली यही रहता है कि कंटिन्यूटी बनाए रखूं, पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो इस वजह से मुझे थोड़ा डिसकंटिन्यू होना पड़ता है। तो देखते हैं हाईवे इंजीनियरिंग, ठीक है? तो ये हाईवे इंजीनियरिंग है क्या? देखिए, हाईवे इंजीनियरिंग इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको गेट में आपको अच्छे खासे मिलते हैं, ESC में मिलते हैं, ठीक है? अच्छा वेटेज है इसका, और सब्जेक्ट मतलब इजी सा है, और मतलब बहुत ही आराम से आप लोग कर सकते हो, ठीक है? तो देखिए, इसमें जैसे गेट में जो है, गेट में 8 से 10 मार्क्स के आते हैं इसमें, ठीक है? ESC में इसके ऑब्जेक्टिव 15 मार्क्स के आते हैं, ठीक है? कन्वेंशनल 25 to 35 मार्क्स, और मतलब बिल्कुल ईजी रहते हैं, कोई हार्ड नहीं रहता है, ठीक है? न्यूमेरिकल सारे ईजी रहते हैं इसके, है ना? अगर आप लोग बुक्स फॉलो करना चाहें तो, ठीक है, KNG या फिर चक्रवर्ती का आप लोग बुक कर सकते हैं, ठीक है? फॉलो, देखिए इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन, ठीक है, हाईवे इंजीनियरिंग में, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, ट्रैफिक इंजीनियरिंग, पेमेंट डिज़ाइन और हाईवे मटेरियल, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। इंट्रोडक्शन है ना, आज का लेक्चर थोड़ा छोटा होगा क्योंकि ये इंट्रोडक्शन टाइप से है, है ना? जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये RCC स्टील और इसके अलावा हम लोग सर्वेइंग और हाईवे भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ताकि जिनको जो नीड्स हैं, है ना, जो सब्जेक्ट पढ़ने के सारे पूरे हो जाए, है ना? तो देखते हैं इंट्रोडक्शन से, ठीक है? लेक्चर बिल्कुल छोटा रहेगा और कल से बिल्कुल जितना भी मैक्सिमम लेक्चर बना सकूँ मैं उतना बनाऊँगा, ठीक है? तो इंट्रोडक्शन, रोड्स, देखिए रोड्स क्या होते हैं, रोड्स क्या होते हैं जनरली, मतलब जिस पे हम लोग चलते हैं ऐसे देखा जाए तो, ठीक है, जिस पे चलते हैं हम लोग उसको रोड्स कहते हैं। बिल्कुल प्लेन सा होता है, हार्ड होता है, है ना? तो बिल्कुल नॉर्मल सा डेफिनेशन है, ऐसे तो सबको पता ही है, लेकिन फिर भी, ठीक है, एनी हार्डेंड सरफेस, ठीक है, एनी हार्डेंड सरफेस विच कैन कैरी द लोड ऑफ मूविंग व्हीकल, ठीक है, है ना? जो व्हीकल्स चल रहे होते हैं इस पे रोड पे, वो उसके लोड को सह सके, है ना, ठीक है? तो उसको, उसके लोड को कैरी कर सके, सह सके, तो वो हो गया रोड, है ना, कोई भी हार्ड एंड सरफेस। पेवमेंट क्या होता है, पेवमेंट, रोड्स कंस्ट्रक्टेड विद नंबर ऑफ लेयर्स इज कॉल्ड पेवमेंट, ठीक है? यानी कि कोई भी हम लोग रोड बनाते हैं जिसमें कि बहुत सारे लेयर्स रहते हैं, जैसे सबसे पहला लेयर क्या, जैसे मान लो लोकल रोड ही बना रहे हैं, विलेज रोड ही, है ना? तो जैसे मान लो सबसे नीचे हम लोगों ने क्या कर दिया, पत्थर दे दिया हम लोगों ने, ठीक है? फिर उसके ऊपर क्या कर दिया, जैसे ईंटे के टुकड़े मिलते हैं अपने को, है ना, तो वो हम लोगों ने दे दिया। फिर ऊपर से वो जिसको हम लोग कंकड़ वाली मिट्टी बोलते हैं, मोरम बोलते हैं, है ना, जो रेड टाइप में होता है, वो दे दिया, ठीक है? और ऊपर से फिर हम लोगों ने एक चिकना टाइप का मिट्टी आया था वो दे दिया, ठीक है? और बारिश होती है तो बिल्कुल वो ऊपर वाला जो लेयर का मिट्टी होता है बिल्कुल अच्छे से बैठ जाता है, ठीक है ना, कॉम्पैक्टेड हो जाता है और मतलब बिल्कुल हार्ड हो जाता है सरफेस उसका, ठीक है, एक एक दो बारिश के बाद। तो इस तरह से विलेज रोड मतलब बन जाते हैं, ठीक है? तो वो मतलब नंबर ऑफ लेयर से बनते हैं, है ना, एक दो लेयर, तीन लेयर में हम लोग बनाते हैं। और रिजिड पेवमेंट जैसे हो गया कंक्रीट रोड, है ना, फ्लेक्सिबल पेवमेंट हो गया पिचिंग रोड, पिच वाली जो रोड होती हैं, ठीक है? तो सारे लेयर्स में बनते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेमेंट बोलेंगे। तो रोड्स कंस्ट्रक्टेड विद नंबर ऑफ लेयर्स इज कॉल्ड पेमेंट, ठीक है? हाईवे, देखिए स्पेशल क्लास ऑफ रोड, ठीक है, हाईवे क्या है, सीधा सा बात है, हाईवे मतलब एक बहुत ऊंचे दर्जे का रोड हो गया, है ना, विलेज रोड, डिस्ट्रिक्ट रोड, स्टेट रोड, ठीक है?
तो हाईवेज क्या हो गया, एक ऊंचे दर्जे का रोड हो गया। तो स्पेशल क्लास ऑफ रोड डिज़ाइंड फॉर हाई स्पीड ऑफ व्हीकल, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाईवे बोलेंगे, है ना। देखिए नोट, टू अवॉइड कंजेशन यानी कि भीड़ भड़ाका रोकने के लिए जाम, जिसको हम लोग इन लोकल लैंग्वेज क्या बोलते हैं हम लोग, जाम ना लगे, ठीक है ना। तो जाम ना लगे इसके लिए, टू अवॉइड कंजेशन, टू अलाउ हाई स्पीड, टू अलाउ हाई स्पीड एंड टू अवॉइड ड्रेनेज प्रॉब्लम, हाईवेज आर जनरली कंस्ट्रक्टेड ओवर एम्बैंकमेंट्स, ठीक है। देखिए तो ये क्या होता है, एम्बैंकमेंट्स के ऊपर बनते हैं, ठीक है ना, यानी कि थोड़े से ऊंचे प्लेसेस में हम लोग बनाते हैं इसको, ठीक है ना, ताकि जैसे अगर मान लो लोकली जो रोड्स हैं उसके पैरेलल में हम लोग उसके उसी के प्लेन में अगर हम लोग ये हाईवे बनाएं, ठीक है ना, तो उसमें क्या होगा, जो ट्रैफिक है ना इससे मूव करेगा, मतलब इसके थ्रू मूव करेगा, या हाईवे से जो गाड़ियां क्रॉस करेंगी इनको तकलीफ़ होगी उससे, ठीक है, यानी कि इनको क्या होगी, मतलब उससे थोड़ी इनके स्पीड में थोड़ी वो आएगी, है ना, उनको रोकना पड़ेगा जब इधर से कोई क्रॉस करे तो, ठीक है। तो इसीलिए हाईवे क्या होना चाहिए, ये हाई स्पीड व्हीकल्स के लिए है। तो हाई स्पीड व्हीकल्स यानी कि वो जो व्हीकल्स के स्पीड हैं वो हाई होना चाहिए, हाई रहना चाहिए, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या होना चाहिए कि ऐसा इस टाइप के जगह में हम लोग बनाते हैं हाईवे जहाँ पर दूसरे व्हीकल्स इसको इसके आवाजाही को डिस्टर्ब ना करें, ठीक है ना, ताकि कंजेशन क्रिएट ना हो, ठीक है। तो यानी कि हाई, थोड़े हाई ऊँचे प्लेसेस में बनाते हैं, ठीक है ना। तो टू अवॉइड कंजेशन, टू अलाउ हाई स्पीड एंड टू अवॉइड ड्रेनेज प्रॉब्लम, ठीक है। तो कंजेशन तो हो गया, इससे हाई स्पीड भी अपने को मेंटेन्ड मिलता है, मिलता रहता है, और ड्रेनेज प्रॉब्लम भी नहीं होती है, ठीक है। हाईवे अगर हम लोग ऊँचे में रखेंगे तो अगर हाईवे पे जो भी पानी वानी बारिश के टाइम पे पड़ती है पानी, ठीक है ना, उस पे पानी गिरती है, सारा नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इस सब सारे प्रॉब्लम से अपने को क्या होता है, छुटकारा मिल जाता है हम लोग हाई प्लेसेस में, हाई एम्बैंकमेंट्स में अगर रोड बनाए तो, हाईवेज बनाए तो, ठीक है। अब देखिए डेवलपमेंट ऑफ हाईवे, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ हाईवे, हाईवे कैसे कैसे डेवलप हुआ, पहले किस टाइप का रोड था, फिर बाद में क्या आया, है ना। तो सबसे पहले जो था, सबसे पहले रोमन रोड्स हम लोग बोलते थे, सबसे पहले के रोड्स को हम लोग क्या बोलते थे, रोमन रोड, ठीक है। दूसरे को ट्रस ग्रेट कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ट्रसग्वेट कंस्ट्रक्शन। तीसरे को टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन, और फोर्थ को मैकेडम कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो देखिए ये तो ये जो आया ना, ये जो पहला वाला दूसरा वाला है, तो ये बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिए हुए हैं, यानी कि सबसे पहला ये रोड अपने को ये रोड बना था रोमन रोड, फिर थोड़ा डेवलप किया, ठीक है ना, लोगों ने, है ना, और ये फिर सेकंड वाला यानी कि ट्रसग्वेट रोड बनाया, है ना, ट्रसग्वेट रोड। फिर थर्ड में टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन आया, है ना, फिर मैकेडम कंस्ट्रक्शन लास्ट में आया, ठीक है। तो देखिए ये जो पहला वाला था ये भी कैसा हम लोग देखेंगे, दूसरे वाले में क्या था खूबी, इसमें ड्रेनेज सिस्टम भी इंक्लूड हो गए थे, है ना, और सरफेस स्लोप भी इंक्लूड हो गए थे। तीसरे वाले में क्या था, ड्रेनेज भी और पेमेंट स्लोप भी, है ना, अपने को ओवरऑल पेमेंट स्लोप भी मिलता था, ठीक है ना। हम लोगों ने पेमेंट में भी स्लोप देना स्टार्ट कर दिया था, जैसे जैसे अपने को दिमाग आता गया कि हाँ भाई अगर हम लोग ये प्लेन रोड बना रहे हैं तो बारिश के टाइम में पानी इसमें जमा हो सकता है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, फिर इस टाइप से बनाना स्टार्ट कर दिया धीरे धीरे, ठीक है ना, ताकि बारिश आए और ये पानी साइड में किनारे में आ जाए, ठीक है, रोड से उतर कर। तो देखते हैं हम लोग, सबसे पहला देखते हैं रोमन रोड्स। देखिए रोमन रोड्स का कुछ इस टाइप का हुआ करता था सेक्शन, ठीक है। सबसे नीचे बड़ी सी बोल्डर रहती थी, हम लोग देखते थे बोल्डर, है ना। उसके बाद ये इतने लेयर में क्या, ब्रोकन स्टोन्स, जो छोटे छोटे स्टोन्स होते थे करीब इतने बड़े साइज के समझ लो, है ना। तो ये सब स्टोन्स हम लोग दिया करते थे इसमें, ठीक है। उसके बाद ब्रोकन स्टोन्स विद लाइम के साथ, यानी कि लाइम एज अ बाइंडिंग मटेरियल यूज़ किया जाता था, तो उसके साथ हम लोगों ने फिर इसको लाइम को ब्रोकन स्टोन्स के साथ मिलाकर देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है।
और उसके बाद फिर वो सबसे ऊपर वाले लेयर में लार्ज स्टोन्स, ठीक है, ताकि अपने को प्लेन सरफेस मिले। और एक ये जो हम लोगों ने पहले ये प्रोवाइड करने के लिए मटेरियल्स जो हम लोगों ने गड्ढा करा, ठीक है, तो सबसे साइड में एक लंबा सा चौड़ा सा पत्थर, इसको हम लोग कर्व बोलेंगे, है ना, ताकि ये इधर इधर से रोके रहे सारे मटेरियल्स को, ठीक है, ये वाले मटेरियल्स को ये रोके रहे, ठीक है। देखिए ये क्या है, सबसे नीचे वाला लार्ज फाउंडेशन स्टोन, है ना, तो इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, तो सिंपल सा है बिल्कुल। मेरिट्स देखिए, टॉप सरफेस इज हार्डेंड, है ना, डीमेरिट्स और मेरिट्स, मेरिट्स भी हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो टॉप, और ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिए हुए हैं यहाँ पे, ये आप लोग याद रखना, पहले ये आए, फिर टसग्रेड, फिर टेलफोर्ड और लास्ट में मैकेडम, क्योंकि एसएससी जेई में ये क्वेश्चन आया था पिछले साल, ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया था। तो ये सब क्वेश्चन सारे आते हैं, ये मत समझना कि ये पहला क्लास इंट्रोडक्शन है तो इम्पोर्टेंट नहीं होगा कुछ, ठीक है। देखिए मेरिट्स, टॉप सरफेस इज हार्डेंड, है ना, टॉप सरफेस इज हार्डेंड, तो ये रोमन रोड का क्या खासियत था, टॉप सरफेस हार्डेंड है क्योंकि स्टोन का बना हुआ है। पेवमेंट इन नंबर ऑफ लेयर्स, है ना, पेवमेंट नंबर ऑफ लेयर्स में थे, ठीक है, पेवमेंट क्या थे, नंबर ऑफ लेयर्स में, सही बात है ना, देखा भी हम लोगों ने। तीसरा क्या है, कर्व स्टोन्स आर प्रोवाइडेड, कर्व स्टोन इज प्रोवाइडेड, है ना, यहाँ हम लोगों ने कर्व स्टोन दिया, ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। डिमेरिट्स देखते हैं क्या क्या है, नो ड्रेनेज सिस्टम प्रोवाइडेड, ये तो हम लोगों ने देखा, ड्रेनेज सिस्टम इसमें है ही नहीं, ये डिमेरिट हो गई। नो क्रॉस स्लोप प्रोवाइडेड, क्रॉस स्लोप भी नहीं है भाई, है ना, लार्ज फाउंडेशन स्टोन्स एट बॉटम, और बॉटम में क्या है, लार्ज फाउंडेशन स्टोन्स है, ठीक है, जो कि एक तरह से मतलब बर्बादी है, है ना, तो ये भी क्या हो गया, डिमेरिट हो गया एक। देखिए ये दूसरा और तीसरा जो है ना, दूसरा तीसरा हम लोग छोड़ देते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, हम लोग अपने मुद्दे पे आते हैं, मैकेडम कंस्ट्रक्शन पे आते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है, है ना, और उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखिए मैकेडम कंस्ट्रक्शन, मैकेडम कंस्ट्रक्शन कहाँ से आया, जॉन मैकेडम नाम का एक आदमी हुआ करता था, ठीक है, जॉन मैकेडम नाम का एक आदमी हुआ करता था, यही पहला आदमी था जिसने सजेस्ट किया कि जो लार्ज जो स्टोन्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं ना, ये सबसे नीचे, ये ज़रूरी नहीं है, है ना, ये नहीं भी देंगे तो हम लोग चलेगा, ठीक है। देखिए तो देखते हैं, पढ़ते हैं, जॉन मैकेडम वॉज द फर्स्ट पर्सन हु सजेस्टेड दैट लार्ज फाउंडेशन स्टोन्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी प्लेस्ड एट बॉटम लेयर, सही बात है ना, तो फिर मतलब पत्थर बच जाएंगे बहुत सारे, ठीक है ना, बिकॉज स्ट्रेस कंसंट्रेशन ऑफ बॉटम लेयर इज़ मिनिमम, सही बात है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन मैक्सिमम कहाँ होता है, व्हील के नीचे होता है, जो गाड़ियाँ पार होती हैं, गाड़ियाँ जो गुजरती हैं ऊपर वाले लेयर्स से, तो सबसे ज़्यादा ऊपर वाले लेयर्स में ही होती है ना स्ट्रेस कंसंट्रेशन, तो नीचे वाले में बहुत मिनिमम होता है, ठीक है। और देखिए ही सजेस्टेड, उसने सजेस्ट किया, क्या सजेस्ट किया, ही सजेस्टेड टाइप ऑफ मटेरियल एज पर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट लेयर, ठीक है ना, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरीके से होता है, ठीक है, उस तरीके से उसने कौन कौन से मटेरियल यूज किया जाना चाहिए लेयर्स में, है ना, अलग अलग लेयर्स में, वो सजेस्ट किया उसने, किसने, जॉन मैकेडम ने, ठीक है ना, कि हाँ भाई आप पहले फर्स्ट लेयर में ये यूज़ करो, दूसरे लेयर में ये मटेरियल यूज करो, तीसरे में ये, फोर्थ में ये, है ना। तो देखिए स्ट्रेस कंसंट्रेशन कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, ये है अपना मान लो व्हील है, एक व्हील को यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है, तो इस व्हील से लोड आ रहा है डाउनवर्ड, एक्ट कर रहा है पी लोड, ठीक है, तो ये जो है ये कैसे, ये जो ये क्या बोलते हैं, ये जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन होगा किस तरीके से होगा, ये किस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट होगा लोड, ये ऐसा आएगा, ये हो गया एरिया वन, है ना, उसके बाद ये थोड़ा और फैलेगा, फिर थोड़ा और, है ना, तो इस तरीके से लोड यहाँ पर फैलती है, ठीक है, तो ये ए वन हो गया, ए टू, ए थ्री, ए फोर, है ना, वन टू थ्री फोर, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है, टॉप टू बॉटम क्या होता है, स्ट्रेस डिक्रीज़ करता है, स्ट्रेस क्या होता है, डिक्रीज़ करता है क्योंकि एरिया इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है ना, स्ट्रेस क्या होता है, डिक्रीज़ करता है क्योंकि एरिया इंक्रीज़ हो रहा है। अब कैसे पता, तो सीधा सा बात है, ये फॉर्मूला अपने को पता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू, है ना, पी बाय ए, है ना, लोड बाय एरिया, ठीक है, तो यहाँ पर एरिया बढ़ रहा है, है ना, तो एरिया बढ़ रहा है तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि
जिसमें कम एरिया है उसमें ज़्यादा स्ट्रेस होगा, यानी कि A1 पे ज़्यादा मैक्सिमम स्ट्रेस है, उसके बाद A2 पे थोड़ा और कम हो गया स्ट्रेस, A3 पे थोड़ा और ज़्यादा एरिया आ गया तो स्ट्रेस थोड़ा और मतलब ज़्यादा एरिया में डिवाइड हो गया, ठीक है ना। A4 पे स्ट्रेस वही स्ट्रेस जो आ रहा था, ये और ज़्यादा एरिया मिल गया इसको, है ना, और ज़्यादा एरिया मिल गया, यानी कि और क्या हो गया, इसका स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, ठीक है। तो देखिए इसने ये सजेस्ट किया था, ठीक है ना, ये लेयर्स, ये हो गया कर्व स्टोन, ठीक है। सबसे पहला सब ग्रेड, ठीक है, सब ग्रेड, सब ग्रेड, ठीक है, फिर सब बेस, है ना, सब ग्रेड के बाद सब बेस, तीसरा क्या था, फिर बेस कोर्स, और फोर्थ सबसे ऊपर वाला सरफेस कोर्स, ठीक है ना। सरफेस कोर्स यानी कि बिटुमिनियस, है ना, ये बिटुमेन का, ठीक है। अब देखिए बेस कोर्स में WBM या फिर WMM, है ना, WBM या फिर WMM। तो देखिए एक चीज़, ये WBM क्या हो गया अपना, WBM हो गया वाटर बाउंड मैकेडम, ठीक है, वाटर बाउंड मैकेडम, WBM हो गया वाटर बाउंड मैकेडम। WMM क्या हो गया, वेट मिक्स मैकेडम, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेट मिक्स मैकेडम, ठीक है। और ये हाँ, ये GSB क्या हो गया, GSB हो गया ग्रैन्यूलर, ग्रैन्यूलर सब बेस, ठीक है, ग्रैन्यूलर सब बेस। फोर्थ क्या हो गया अपना, सब ग्रेड, ठीक है, सब ग्रेड में C5 सॉइल हम लोग यूज करते हैं, ये BC, WBM, WMM, ठीक है, GSB, C5 सॉइल, ये क्या होते हैं हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है, अगले लेक्चर में। तो बस ये इंट्रोडक्शन क्लास था छोटा मोटा, तो है ना, आप लोग प्लीज़ वीडियोस को शेयर किया कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है वीडियोस में ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, ज़्यादा लाइक्स आएंगे, ठीक है ना। तो अगर मुझे रिस्पांस मिलेगा अच्छा, ठीक है, तो मुझे फिर काम करने में मज़ा आएगा, है ना। अगर मुझे ये पता चले कि हाँ भाई क्या कोई वीडियोस देख नहीं रहे हैं, ठीक है ना, लाइक्स नहीं आ रहे हैं, किसी को पसंद नहीं आ रही है, तो फिर मैं वीडियोस क्यों बनाऊंगा, सीधा जाहिर सी बात है, ठीक है ना। जब कोई यूज़ ना कर रहा हो, ठीक है, अगर यूज़ ना हो रहा हो इसका, तो फिर मुझे वीडियोस बनाकर और अपलोड करके क्या फ़ायदा। बस यही कारण है ना, मतलब मैं डिसकंटिन्यू हुआ तो बीच बीच में, ठीक है। अगर आप लोग शेयर्स करेंगे, अगर ज़्यादा व्यूज़ आएंगे वीडियोज़ में, तो मुझे भी लगेगा कि हाँ रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, मुझे बनाना चाहिए, तो मतलब उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा अपने में, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये आप लोग प्लीज़ करा कीजिए, ठीक है, अपने फ्रेंड्स को शेयर किया कीजिए, लाइक्स किया कीजिए, ठीक है। और अगर कुछ मॉडिफिकेशंस चाहिए हो, कुछ रेकमेंड करना है, तो मुझे बता सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी बात यही है ना, ज़्यादा व्यूज़ आने चाहिए वीडियोज़ में, आप लोग शेयर किया कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा लाइक्स आने चाहिए, सब्सक्राइबर्स आने चाहिए ज़्यादा, तब ना मुझे मुझे ये पता चलेगा कि हाँ भाई कोई इंटरेस्ट दिखा रहा है पढ़ने में, तो फिर मैं कंटिन्यू करूँगा अच्छे से वीडियोस बनाना। लेकिन जब तक मुझे ये ना पता चले कि कोई मेरे वीडियोस यूज़फुल हैं, तब तक मतलब थोड़ा इंटरेस्ट नहीं आता ना, बात 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 वही हो जाती है, ठीक है। फिर भी मैंने सोचा है कंटिन्यू करने का अच्छे से, लेकिन प्लीज़ आप लोग शेयर किया कीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और फिर आगे हम लोग इस तरीके से कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, हैव ए गुड डे।